24 जनवरी 1556 में मुगल शासक हुमायूं का दिल्ली में निधन हो गया और उसके बेटे अकबर ने गद्दी संभाली। उस समय अकबर केवल 13 साल का था, इसलिए उसके संरक्षण की जिम्मेदारी बैरम खान को सौंपी गई। हुमायूं की मौत के बाद अफगान शासक आदिल शाह की सेना के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री रहे हेमू ने 1556 में दिल्ली की लड़ाई में अकबर की सेना को पराजित कर खुद को उत्तर भारत का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 1553 से 1556 के दौरान हेमू ने सेना के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब से बंगाल तक 22 युद्ध जीते। जनवरी 1556 में हुमायूं की मौत के समय जब हेमू को हुमायूं की मौत के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने सेना नायकों को अपने लिए दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने का आदेश दे दिया। उन्होंने हुला विद्रोह कर दिया और उत्तरी भारत भर में कई युद्ध जीतते हुए उन्होंने आगरा पर हमला कर दिया। अकबर का सेना नायक वहां से युद्ध किए बिना ही भाग खड़ा हुआ। हेमू का इटावा, कालपी और आगरा प्रांतों पर नियंत्रण हो गया। ग्वालियर में हेमू ने और हिंदुओं की भर्ती से अपनी सेना को और मजबूत कर लिया। हेमू ने दिल्ली यानी तुगलकाबाद के पास की लड़ाई में 6 अक्टूबर को मुगल सेना को हरा दिया। लगभग 3000 मुगलों को मार डाला। मुगल कमांडर तादरी बेग दिल्ली को हेमू के कब्जे में छोड़ बचे हुए सैनिकों के साथ भाग खड़ा हुआ। अगले दिन दिल्ली के पुराना किला में हेमू का राज्याभिषेक किया गया। मुस्लिम शासन के 350 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक बार फिर हिंदू शासन स्थापित हुआ, हालांकि ये भी कुछ दिन का मेहमान साबित हुआ। दिल्ली और आगरा के पतन से कलानौर में मुगल परेशान हो उठे। कई मुगल जनरलों ने अकबर को हेमू की विशाल सेना को चुनौती देने की बजाय काबुल की तरफ पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन बैरम खान ने युद्ध के पक्ष में फैसला किया। अकबर की सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया। 5 नवंबर को पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। हेमू की सेना की बड़ी संख्या के बावजूद अकबर की सेना ने लड़ाई जीत ली। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा दी गई थी। उसका कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजा पर प्रदर्शन के लिए भेजा गया। उसका धड़ दिल्ली के पुराना किला के बाहर फांसी पर लटका दिया गया था ताकि हिंदू आबादी के दिलों में डर पैदा हो। हेमू की पत्नी खजाने के साथ पुराना किला से भाग निकली और कभी उनका पता नहीं चला। बैरम खान ने हिंदुओं की सामूहिक हत्या का आदेश दिया जो कई वर्षों तक जारी रहा। हेमू के रिश्तेदारों और करीबी अफगान समर्थकों को पकड़ लिया गया और उनमें से कईयों को मौत की सजा दी गई। कई स्थान पर उन कटे हुए सिरों से मीनारें भी बनवाई गईं। हेमू के 22 वर्षीय पिता जो अलवर भाग गए थे, 6 महीने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया और इस्लाम कबूल करने से मना करने पर मौत की सजा दे दी गई। अकबर ने ज्यादा प्रतिरोध के बिना आगरा और दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसे सिकंदर शाह सूरी यानी आदिल शाह सूरी के भाई के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पंजाब लौटना पड़ा। इस युद्ध में मुगल सेना ने मनकोट के किले की घेराबंदी के बाद सिकंदर शाह को हराकर बंदी बना लिया और देश निकाला देकर बंगाल भेज दिया। 1556 में पानीपत में अकबर की जीत भारत में मुगल सत्ता की वास्तविक बहाली थी। बंगाल तक का सारा क्षेत्र जो हेमू के कब्जे में था उस पर कब्जा करने के लिए अकबर को 8 साल लगे।